बेमौसम बारिश से नुकसानग्रस्त फसलों का मुआवजा करने के लिए केंद्रीय दल की टीम जिले के दौरे पर आई। चंद्रपुर जिले में बेमौसम बारिश की वजह से हजारों हेक्टर खेत में स्थित फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, जिसके कारण धरती का अन्नदाता कहे जाने वाले किसान के ऊपर बड़े पैमाने पर आर्थिक संकट आ गया है। कृषि विभाग ने नुकसानग्रस्त फसलों का पंचनामा कर राज्य शासन के पास अहवाल भेजा है, जिसके लिए नैसर्गिक आपदा के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय पथक जिले के दौरे पर आया। उसी के तहत बीते दिन इस पथक ने बोरा तहसील के दो किसानों के खेतों पर जाकर स्थिति का मुआयना किया। जिले में मुख्य रूप से धान, कपास, सोयाबीन, तुअर आदि फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। बोरा तहसील के बोरगांव देशपांडे इस गांव में प्रमोद चिंचोलकर के खेत में सबसे पहले केंद्रीय पथक ने नुकसान का मुआयना किया तथा किसान से इस संबंध में जानकारी हासिल की। उसके बाद मजरा के महादेव डावले के खेत में नुकसान का मुआयना किया, जिसके बाद भद्रावती और चिमूर तहसील के नुकसानग्रस्त क्षेत्र का मुआयना कर केंद्रीय पथक नागपुर जिले के लिए रवाना हुआ। चंद्रपुर जिले के नुकसान का जायजा लेने के लिए विभागीय आयुक्त डॉक्टर संजीव कुमार के मार्गदर्शन में केंद्रीय पथक के अधिकारी डॉक्टर आरपी सिंह के साथ नागपुर कृषि विभाग के कृषि उपसंचालक रविंद्र भोसले, जिलाधिकारी डॉक्टर कुणाल खेमनार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कर्डिले, जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी डॉक्टर उदय पाटिल, उप विभागीय अधिकारी सुभाष शिंदे, उप विभागीय कृषि अधिकारी विजय निमजे, कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर विजय नागदेवते तथा अन्य अधिकारी जिसमें तहसील कृषि अधिकारी प्रकाश और कृषि विभाग के तथा पंचायत समिति अन्य अधिकारी शामिल थे। नमस्कार, माझं नाव कैलास महादेव डावले आहे आणि माझ्याकडे 5 एकर जमीन आहे। 5 एकरामध्ये 2 एकरामध्ये मी सोयाबीन लावलं होतं आणि ते पूर्ण म्हणजे ज्यावेळेस कापणी झाली होती 25 जूनला पेरणी झाली होती आणि 27 ऑक्टोबरला कापणी झाली होती। कापणी झाल्याच्या नंतर म्हणजे 1-2 दिवसासाठी आम्ही सुको घालतो ते म्हणजे खराब नाही झालं पाहिजे याच्यासाठी। तर ते पावसामुळे आहे ना, पूर्ण 2-3 दिवस 5-6 दिवस समजा असा पाऊसच खूप पडला होता, सुधरलंच नाही आणि मग पाऊस उघडल्याच्यानंतर मग आम्ही जमा केल्याच्यानंतर मग ते हातीच नाही लागलं। किती नुकसान झालं असं वाटतं? नुकसान असं समजा कमी जास्त 10 क्विंटलची आमची नुकसान झाली आहे। दरवर्षी मी कोण्या वर्षी 15 क्विंटल 2 एकरामध्ये 18 क्विंटल 14 क्विंटल असा मी घेत होतो, 7 क्विंटल। आता जी टीम येऊन पाहणी करून गेल्या, यांच्याकडून काय अपेक्षा आहे तुमच्या? आता यांनी असं आमचं म्हणजे नुकसान भरपाईचं असं दिलं पाहिजे काहीतरी, किंवा आमची जी आता म्हणजे 2 वर्ष झाली कर्जबाजारी आम्ही होऊन म्हणजे बँक लोन उचलू नव आम्ही, तर त्याचा माफ करायला पाहिजे। सी टीव्ही के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधी चेतन लुथेड के साथ राजेंद्र मर्दानी की रिपोर्ट।